हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर सामान ला रहा है और ये सामान किस चीज़ के लिए ला रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया, हम लोगों को वो टीन का शेड लगवाना है, तो वही टीन आ गए हैं आज, क्योंकि बीच में स्टॉप कर दिया था हम लोगों ने वो काम, क्योंकि कारपेंट्री का काम चल रहा था और उसके साथ साथ ये भी काम, और देखना किसी का नहीं हो रहा था क्योंकि इनको ड्यूटी से टाइम नहीं मिल रहा था। और कारपेंट्री का तो काम मैं देख सकती हूँ, बट ये बाहर का काम इनको ही देखना पड़ेगा, तो इसी वजह से इन्होंने अभी ये स्टार्ट कर दिया दोबारा से। थोड़ा सा पैसे का भी प्रॉब्लम था कि एक काम ख़त्म हो जाए फिर दूसरा काम करेंगे, ऐसे था हमारा, तो इसीलिए ये टीन लाके रखे हैं। और शेड तो पहले ही डाल दिया था उन लोगों ने, वो जो पाइप का शेड है वो तो पहले ही डाल दिया था, उसके बाद अभी टीन लगाएंगे। एक्चुअली जब पाइप का शेड लगाया था तो मैंने आपको दिखाया था, पाइप का शेड लगा के रखा था उन्होंने, उसके बाद हम लोगों ने पेंटर बुलाए थे, उसके बाद वो पेंटर पेंट करके गए थे उसको। और ये जो पाइप वगैरह दिख रहा है वो भी लगाना बाकी है, कुछ पाइप उधर के शेड लगाने के लिए लाए हुए हैं। जहाँ पर हमारा पीछे का वॉशिंग एरिया है वहाँ पर भी एक शेड लगाना है, तो ऐसे करके वो सारे ये टीन लाया है उसके लिए ही। तो अभी इसका ही 2 दिन काम चलेगा, मतलब ये तो काम जल्दी ही होने वाला है क्योंकि शेड तो ऑलरेडी लगा हुआ है। और बाहर दोबारा से धूल होने वाली है, धूल के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सारा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद तो फिर टेंशन ही नहीं है ये सब। गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, आज बहुत सारे काम थे, मतलब मुझे काम नहीं थे, वो बाहर काम चल रहा था, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा आवाज और ये सब, मैंने हल्के फुल्के काम घर के कर लिए, ब्लॉगिंग की ही नहीं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। सुबह से बात ही नहीं करना हुआ तो इसीलिए अभी बात करने लग गई। और कैसे हो आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए सबसे पहले। और मैं भी अच्छी हूँ, काम चल रहा है, बस अभी वही काम चल रहा था जो आपको टीम का बताया था ना मैंने। टीम का काम हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था क्योंकि ये वाला काम हो रहा था, इसी वजह से। तो वो अभी कल आए थे तो वो सारा कुछ देख के गए, उसके बाद अभी आज टीन विन लाए उन्होंने। टीन लाने के बाद फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा झरी वरी मारना था वो किया, आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, टीन विन तो नहीं लगे, कल लग जाएंगे टीन विन, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था वो झरी वरी मारने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई, मतलब आपसे बात ही नहीं कर पाई। जैसे कैमरा उठाती वैसे आवाज स्टार्ट हो जाता उनका, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। तो चलिए अभी बाकी के काम कर लेती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ उपमा, और सडनली मेरे घर पे गेस्ट आ गए तो उनके लिए नाश्ते के लिए बनाने वाली हूँ उपमा। और ये एक्चुअली थोड़ी देर लगती है उपमा बनाने में, बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप सूजी माइक्रोवेव में भूनते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उपमा बनाने में, इसी वजह से मैं फास्ट फास्ट सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सूजी भून ली थी माइक्रोवेव में, ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने डाला है मूंगफली फ्राई कर ली, उसके बाद मैंने जीरा राई डाल दिया और प्याज लंबा लंबा काटा हुआ डाल दिया, इसे भून लिया, उसके बाद मैंने डाल दिया है अपना ये सूजी, और सूजी को भी अच्छे से भूनना है। आपको तो पता ही है जब उपमा बनाते हैं तो सूजी बहुत ज़्यादा भूननी पड़ती है, तो सूजी थोड़ी सी भुनी हुई रहती है माइक्रोवेव में, तो इतनी ज़्यादा नहीं भूननी पड़ती है कढ़ाई में, तो थोड़ा सा हल्का सा भून लिया, ऑयल थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो ऑयल डाल दिया, उसके बाद गर्म पानी डाल दिया। और मैं मसाला उपमा बनाती हूँ तो अलग तरीके से बनाती हूँ, ये फास्ट वाला उपमा है जो सडनली गेस्ट आ जाते हैं तो उस टाइम बनाना पड़ता है ऐसे, तो ये वाला उपमा ऐसे बना लिया। और उसके बाद इधर साइड में चाय भी रख दी, जब मेरा उपमा मैं रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी, उसके बाद चाय भी दे दूंगी, थोड़ी देर उनके पास बैठना भी है। और वो शूट नहीं कर पाई कि कौन गेस्ट आए थे, एक्चुअली कभी कभी होता है सारी जगह शूट करने में कंफर्टेबल नहीं रहते हम लोग, इसी वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर बस प्लेट निकाल लूँगी, और इस टाइम पे माही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि मैं प्लेट्स वगैरह निकालती हूँ तो प्लेट लेके जाने में और ये करने में, तो जैसे बड़ी बेटी होती है ना तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा काम आती है। वैसे भी जैसे कि जिनके घर में बेटियाँ नहीं होती है वो लड़के भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैंने देखे हुए हैं, जैसे कि मेरे मासी को बेटी नहीं है तो वो भी, मेरे मासी के बेटे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे गेस्ट आते हैं तो मम्मी की हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर मेरी माही बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी ऐसी चीज़ों में। बस यहाँ पर ये हो गया है, इसके बाद उनके साथ बैठूंगी, थोड़ी सी बातें करूंगी, वो चले जाएंगे, उसके बाद मेरे अपने काम करूंगी घर के फिर बाद में। यहाँ पर बस बर्तन निकले थे वही
नाश्ते के, तो वो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ मैं ना, उसी टाइम क्लीन करती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं, परेशानी नहीं होती है कि बहुत सारे बर्तन हैं यार अब कैसे क्लीन करें, तो इसीलिए मैं उसी टाइम कर लेती हूँ और फिर एक एक निकलते हैं तो उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग डिनर, और डिनर में ज़्यादा कुछ खास नहीं बना था, सुबह का ही बहुत कुछ था और बीच में हमारा नाश्ता भी हो गया था, तो इसी वजह से ज़्यादा भूख नहीं थी हमें, बस डिनर करना है डिनर करना है, बस इसी वजह से हम लोग बैठ गए थे डिनर करने के लिए। चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, मैंने जो अमेज़न शॉपिंग की है वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि अमेज़न जैसे नाम सुनती हूँ मैं, वो याद आता है मुझे, वो जो है ना एक इंस्टाग्राम रील में मैंने देखा था, बोलती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे लिए अम्मा जान की दुकान से साड़ी मंगा दे। वो उसकी बेटी बोलती है कि मम्मा ये अम्मा जान क्या होता है, तो बोलती है वो तू मंगाती है ना, तो बोलता है कि नहीं अम्मा जान नहीं, वो अमेजोन होता है। तो इसी वजह से जैसे ही हम लोग अमेजोन का नाम सुनते हैं ना तो हंस देते हैं, तो इसीलिए अभी मुझे हंसी आ रही थी अमेजोन अमेजोन करके। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो प्रोडक्ट लिए है या मैंने जो अभी शॉपिंग की है फिलहाल इस महीने में या पिछले महीने में, वो मैं आपको सारी की सारी दिखा देती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला फाउंडेशन, जो HD फाउंडेशन है पैक का। ये मुझे कब से चाहिए था, बट मैं कंफ्यूज थी कि मेरा शेड इसमें कौन सा होगा, और इसी वजह से नहीं ले रही थी। बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, रिव्यू वीडियोस देखे इसके, तब जाके मुझे अपना शेड पता चला कि मुझे लगा कि मेरा शेड ये हो सकता है 3.1, ये 3.1 ही है ना, हाँ 3.1। तो मुझे लगा था कि 3 होगा मेरा शेड, 3 तो मिला नहीं मुझे, तो 3.1 मिल गया। बट ये भी मेरे स्किन टोन से परफेक्ट मैच हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप सोचोगे ना कि मैक का जो फाउंडेशन है उसका ही ये ड्यूब बोल सकते हो आप इसे, मैक के फाउंडेशन का बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है इसका। मतलब आपने अगर ये जो फाउंडेशन है वो ट्राई नहीं किया है ना, तो डेफिनेटली ट्राई करके देखो, इतना ज्यादा बढ़िया फाउंडेशन है और ज्यादा महंगा नहीं है। जैसे मैक के फाउंडेशन बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, वैसा ये इतना ज्यादा महंगा नहीं है। इस पे लिखी है 875 रुपीज प्राइस, बट इतना भी नहीं, मुझे डिस्काउंट में मिल गया था अमेजोन पे, तो मैंने ये परचेस कर लिया। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है गाइज, आप ट्रस्ट कर सकते हो और ले सकते हो आप इसे। मतलब आप लोगे ना तो पछताओगे नहीं इसे लेके, इतना ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है। उसके बाद आपको याद है ये वाला चिक शैम्पू, जो काफी पहले मैं छोटी थी ना उस टाइम मैंने यूज किया था ब्लैक वाला इसका, और ये मुझे ऐसे स्क्रॉल करते करते दिख गया, तो ये बहुत क्यूट सी बॉटल लगी मुझे, और इस पे लिखा था हेयर फॉल प्रिवेंट फॉर थिक एंड हेल्दी हेयर। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मंगा के देख लेती हूँ। मैंने मतलब बॉटल की वजह से मंगाया, और इसके बाद ये सच में काम करता है। एक मेरी भाभी है, उनके पता नहीं एकदम से सडनली बाल बड़े हुए दिखे मुझे, तो उनको मैंने पूछा कि आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब बालों के लिए इतने ज्यादा बड़े बाल दिख रहे हैं आपके, और इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। तो बोले कि मुझे तो इतना हेयर केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सादा शैम्पू यूज कर लेती हूँ। बस मैंने बोला शैम्पू कौन सा यूज करते हो आप, तो उन्होंने बताया था कि चिक शैम्पू यूज करते हैं। तो मैंने उस टाइम से सोचा था कि चिक शैम्पू मंगा के देखती हूँ यार, मुझे ना बड़े बाल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये मंगा लिया। देखते हैं इसको ट्राई करके, ट्राई करना तो बनता ही है, जैसे कि हम लोग इतने सारे मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट है, मतलब एक बार मंगा के देखिए आपको अच्छा लगेगा, और ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसकी, 178 रुपीज का है, और उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अमेजोन पे तो डिस्काउंट मिल गया था मुझे काफी सारा। तो ये मंगा लिया मैंने, और इसकी क्वांटिटी 340 ml क्वांटिटी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी और इतना सस्ता है, तो ये मंगा लिया था। उसके बाद मुझे एक ब्रश सेट चाहिए था जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, और ब्रश तो वैसे मेरे पास बहुत सारे है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, बट ब्रश कितने भी हो मुझे कम ही पड़ता है, क्योंकि बहुत बार मेकअप करना पड़ता है जो रिव्यू वीडियो होते हैं उसके लिए, तो इस टाइप के मैंने ब्रश मंगा लिए, और बहुत ही क्यूट लगते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर रोज गोल्ड कलर के मंगाया मैंने, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास मैं सजा के रखूंगी ना इसे, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसी वजह से मैंने ये रोज गोल्ड कलर के मंगाया है। इतने ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे लगा भी नहीं था कि इतने सॉफ्ट ब्रिसल्स आएंगे इसके, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और काफी सारे ब्रशेस आते हैं इसमें, आई मेकअप के लिए भी आते हैं, और उसके बाद फेस मेकअप के लिए भी आते हैं, और ये एक फिश वाला भी आता है। ये वाला ब्रश सेट काफी ज्यादा अच्छा है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने माही के लिए भी एक ब्रश सेट मंगा लिया था, वो मुझे यूज करते हुए देखती है तो थोड़ा सा उसको भी लगता है कि मैं भी यूज करूँ,
सादा पाउडर वगैरह लगाती है उससे, तो इसी वजह से मैंने उसके लिए भी मंगा लिया था, क्योंकि उसके रूम में रहे ये वाला मिनीसो का है, और मिनीसो का तो आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं मिनीसो के। तो इसमें ना ये पाउच भी आया है छोटे बच्चों के लिए, या आप अगर मेकअप अभी अभी स्टार्ट किया है ना आपने, तो आप ये वाला ले सकते हो, या ट्रैवल फ्रेंडली है तो ज्यादा ट्रैवलिंग आप करते हो तो उसके लिए आप ले सकते हो। ये आपके पर्स में इसमें डाल दो और इसको ऐसे पाउच में पैक करके आप अपने पर्स में डाल दो, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। बहुत सारे ब्रशेस आते हैं इसमें, बहुत सारे मीन्स जैसे कि फेस ब्रश आता है, आई ब्रश आता है, आई मेकअप के लिए आता है, और ये आईब्रो ब्रश भी आता है, तो अच्छा खासा आपका काम चल जाएगा इससे। इसी वजह से मैंने ये माही के लिए लिया है। और उसके बाद मैंने ये वाला मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन लिया है। इतना ज्यादा अच्छा है गाइस ये फाउंडेशन, मतलब मेरी सेकेंड बॉटल है ये, मेरा एक खत्म हो गया था उसके बाद मैंने दूसरा मंगाया है ये, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है ये फाउंडेशन। मतलब काफी देर तक स्टे करता है आपके, और उसके बाद मेबेलिन तो ब्रांड आपको पता ही है, बहुत ज्यादा अच्छा है ये फाउंडेशन। 24 आवर फुल कवरेज बोला है ना, तो 24 आवर तो नहीं बट काफी देर तक अच्छा खासा स्टे करता है, क्रीज नहीं करता है, और उसके बाद काफी अच्छे से जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है, तो वो ये फाउंडेशन है। उसके बाद मैंने ना घर पे पहनने के लिए, घर पे मैं सभी आप लोग बोलते हो कि कुछ कान में नहीं पहनते हो, इसी वजह से ये छोटे छोटे इयररिंग्स ले लिए थे, तो ये आपने देखे हुए भी है, और बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि दी ये इयररिंग्स कहाँ से लिए है, तो ये वाले पहने हुए देखे आपने, ये वाले, और उसके बाद ये वाले भी मैंने पहने थे, तो आपने पूछा था कि ये वाले कहाँ से लिए, तो ये अमेजोन से लिए। 4 का सेट आता है, और आप रेगुलर यूज में अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा हीवी पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो ये पहन सकते हो आप, कहीं पर भी जाते हो तो आप इसे पहन के जा सकते हो। छोटे छोटे इयररिंग्स है और बहुत ही ज्यादा क्यूट है, देखो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, ये देखिए इसमें से ये वाला, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इयररिंग्स है, और ये मैंने 4 का सेट ले लिया था। उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक लिया है शुगर का, जो शेड मुझे, ये भी मैंने, मेरा सेकंड परचेस है, ये शेड मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि आपको क्या ही बताओ। ये शेड है फेरी बेरी, कोई भी स्किन टोन हो ये शेड आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, देखो इतना सुंदर शेड है, फेरी बेरी शेड है, और लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी सारी चीजों के, मतलब एक एक लिंक आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कि दी इसका लिंक दो उसका लिंक दो, तो मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसके सेपरेट लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस सेपरेट लिंक्स ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो माय हॉल स्टोर लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, और उसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। ये देखो इसका शेड इतना ज्यादा प्यारा है गाइस कि आपको लगाते ही इसके आप फैन बन जाओगे, मतलब सेकंड परचेस है मेरा ये, ऐसा शेड है कि कोई भी दोबारा परचेस करना चाहेगा। और देखो मैंने फाउंडेशन लगाया था उसके ऊपर ये शेड लगाया है, तो इतना प्यारा लग रहा है, ये पैक का फाउंडेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था ना, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा शेड है ये। उसके बाद मैंने एक नेल किट ली है, मैंने आपको पिछली बार दिखा था कि मैंने पेडिक्योर टब लिया है, उसके बाद पेडिक्योर किट ऑर्डर की है, उसके लिए नेल आर्ट किट ऑर्डर की थी, उसके साथ मुझे चाहिए था ये पेडिक्योर मैनिक्योर करने के लिए ये पूरी नेल किट, तो ये मैंने नेल किट ली है, और इतनी ज्यादा अच्छी है गाइज क्वालिटी वाइज, मतलब इसमें एक ब्रश आ जाता है, सारे टूल्स आ जाते हैं इसमें जो आपको पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए चाहिए होते हैं, तो ये ब्रश भी आ जाता है डस्ट वस्ट निकालने के लिए नेल्स की, और उसके बाद ये सारे जो भी टूल्स आपको चाहिए, जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पता है कि कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, तो सारे के सारे प्रोफेशनल टूल्स इसमें एडेड है, और एक भी आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, तो ये किट अगर आप एक ले लेते हो ना तो आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये इतनी ज्यादा बढ़िया है, और इसमें से टूल्स गुम ना हो जाए इसी वजह से ये लेदर का पाउच दिया हुआ है, तो ये लेदर का पाउच अपने पर्स में डाल के हमेशा के लिए आप कैरी कर सकते हो इसे, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मैं ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और उसके बाद मैंने दोबारा से माही के लिए ये प्रोडक्ट्स मंगाया है, जो ये टी ट्री फेस वॉश है, और उसके बाद ये टी ट्री फेस मास्क है, तो ये दोनों मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, और जो फेस वॉश और फेस मास्क है, मास्क तो है बट फेस वॉश थोड़ा खत्म होने पे आया है उसका, तो ये मैंने रेंज मंगा ली टी ट्री वाली, अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो फुंसिया वगैरह आती है फेस पे, तो इसी वजह से मैंने ये टी ट्री रेंज मंगा ली। इसमें नीम एंड टी ट्री है, तो आपके फेस को क्लीन करेगा, जैसे टीनेजर होते हैं तो उनके फेस पे फुंसिया आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम ये प्रोडक्ट्स आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो जैसे कि ये एक्ने एंड पिंपल्स के लिए है टी ट्री फेस मास्क, अगर आपको भी अभी तक पिंपल्स आते हैं तो आप
आपके लिए भी ले सकते हो ये। कभी कभी मैं और माही दोनों भी एक ही प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, तो मैं भी बहुत बार यूज कर लेती हूँ उसके प्रोडक्ट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, तो इसी वजह से आपके स्किन पे कोई भी हार्म नहीं होता है। अगर आपको जल्दी से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आपकी स्किन, तो आप ये वाले प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको सूट करेंगे। तो ये है मेरी अमेजोन शॉपिंग जो मैंने इस बार की है। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? और मैं हमेशा बोलती हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक कर दीजिए, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, उसको भी चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एक बार चेक जरूर कर लेना, आपको पसंद आए तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, इन सारे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और एक सेपरेट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो कि माय हॉल स्टोर का है, उसमें क्लिक करके आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। तो चलिए चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।